वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में जंतर मंतर पर रेसर जो थे बैठे हुए थे ब्रज मोहन के खिलाफ, और अब वही ब्रज मोहन जो है ब्रजभूषण वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसके उस पर भी मुझे पूरा भरोसा है, मुझे किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं है और मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ और इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। जांच एजेंसी जहाँ भी उचित समझेगी उसकी हर जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे पहले भी भरोसा था, आज भी भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इस देश के अंदर कोई नहीं हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है और मुझे या मेरे समर्थकों को ये आदेश सर्वमान्य है और मुझे जांच एजेंसी पर भी पूरा भरोसा है और मुझे और मेरे समर्थकों को न्याय मिलेगा, क्योंकि लगातार कई महीने से गाली पर गाली, गाली पर गाली, गाली पर गाली, आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप, इससे हमें भी कष्ट होता है, हमारे परिवार को भी कष्ट होता है, हमारे समर्थकों को भी कष्ट होता है। लेकिन हम चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली पुलिस कर रही है वो करें और शीघ्र ही मेरा एक शब्द है कि शीघ्र ही जल्द से जल्द ये जांच पूरी करके जो भी कार्रवाई बनती हो उसे करना चाहिए। पॉस्को जैसे गंभीर आरोप की चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, जांच पर भरोसा है, देश के अंदर जो न्याय देने की प्रक्रिया है उस पर भरोसा है, अलग से मुझे कुछ नहीं कहना है। फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पर सांसद जी आपसे लोग बोल रहे हैं कि अगर आप इस्तीफा दे देंगे तो एक सही जांच हो जाएगी, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, फेडरेशन का कोई रोल नहीं है, फेडरेशन का कोई रोल नहीं है और इन लोगों की डिमांड लगातार बदलती है। अगर इनके पुराने बयानों को आप सुनेंगे तो ये जनवरी में इनकी मांग निकल करके आई थी कि अपने पद से इस्तीफा दें। मैंने उस समय कहा था कि पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया, मेरा कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है, जब तक नई बॉडी नहीं बन जाती है और अभी सरकार ने आईओ की एक कमेटी गठित की है, तीन लोगों की कमेटी गठित की है जिसमें एक कोई हाई कोर्ट का जज होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, उनकी देखरेख में 45 दिनों के अंदर चुनाव संपन्न होना है, चुनाव संपन्न होते ही मेरा कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर के नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ और इनकी डिमांड लगातार बदल रही है। अगर इनके बयान को आप सुनेंगे तो लगातार ये देखेंगे कि ये हर रोज एक नया मुद्दा लेकर के आ जाते हैं, इन्हीं के कहने पर जांच कमेटी बनी, इन्हीं के कहने पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसको जांच कमेटी में शामिल नहीं होना चाहिए था उसको भी सरकार ने शामिल किया। मुझे आपत्ति करनी चाहिए थी, मैंने कोई आपत्ति नहीं की, जांच कमेटी की रिपोर्ट लगातार इनके पास पहुंच रही थी, कौन कौन खिलाड़ी क्या क्या बोला लगातार डे बाई डे इनके पास पहुंच रही थी। इनको जब आभास हो गया कि जांच कमेटी में कोई आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं तो इन्होंने कमेटी के सार्वजनिक होने का इंतजार भी नहीं किया और ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और एक कोई नया मामला लेकर के भी गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में नया मामला लेकर के गए हैं और इन्होंने जिन बच्चों को पहले पेश किया है, कोई नाबालिग मैं नहीं जानता, एक ऐसा हवा में निकल करके आ रहा है कि उसमें से कोई नाबालिग है, तो मेरा सवाल यह है कि उसको जांच कमेटी के सामने क्यों नहीं पेश किया गया। और मैंने एक ऑडियो दिया है जिसमें एक खिलाड़ी धरने पर बैठा हुआ एक खिलाड़ी किसी लड़की से कह रहा है कि
किसी भी लड़की का इंतजाम कर दो, किसी भी तरीके से इंतजाम कर दो। मतलब ये चार चार महीना मेरे खिलाफ लोगों को उकसाएंगे, भड़काएंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे और फिर तीन महीने बाद एक ले जा करके फिर किसी न किसी को पेश कर देंगे। चलिए, मुझे उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है, ये काम जांच एजेंसी का है, वो जांच एजेंसी अब काम करेगी। लेकिन हमने तो लगातार सरकार के फैसले का सम्मान किया और ये लगातार इसका उल्लंघन कर रहे हैं, रोज रोज ये नई डिमांड लेकर के आ जा रहे हैं। अब जांच एजेंसी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने का इनको इंतजार करना चाहिए। फिर ये धरने पर बैठ गए, अब धरने पर बैठ गए, पहले इनकी मांग थी FIR की जाए, चलिए भाई इनकी मांग स्वीकार हो गई, अब FIR हो गई, अब इनको चाहिए, अब कहते हैं कि जेल के अंदर होना चाहिए, सारे पदों से इस्तीफा देना चाहिए। तो ये जो मेरे पास, मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, ये पद मुझे दिनेश फोकाट की कृपा से नहीं मिला है, हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे दे रखा है, और एक बार नहीं छः छः बार दे रखा है, छः छः बार मुझको दिया, मेरी पत्नी को दिया, और उनको वह उनकी कृपा पर नहीं है, और कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद भी उनकी कृपा पर नहीं है। मैं चुनाव लड़कर के जीता हूँ, और आपके माध्यम से आप सवाल पूछेंगे तो मैं कहना चाहता हूँ, एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा क्यों, हरियाणा के अन्य खिलाड़ी क्यों नहीं, हिमाचल के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के, बंगाल के, आसाम के, देश के अन्य प्रांतों के खिलाड़ी क्यों नहीं? 12 साल से लगातार इनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, केवल इनके साथ, वो यौन उत्पीड़न देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं होता है? केवल एक ही अखाड़ा और एक ही फैमिली, एक अखाड़ा एक फैमिली, बाकी हरियाणा का 90% खिलाड़ी और 90% गार्जियन बृजभूषण सिंह के साथ है। क्योंकि मैंने काम किया है, मैंने खेल को जहां तक सेवा दे सकता है ईमानदारी से सेवा दिया है, और इसीलिए आज देश का एक, जबकि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि कोई निकल करके आ जाए। लेकिन एक सवाल मैं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि 12 साल से इनके साथ ही हो रहा है, एक अखाड़ा एक फैमिली, और इस 12 साल में भी एक बार भी ये शिकायत लेकर के ना तो खेल मंत्रालय में गए हैं, ना किसी पुलिस स्टेशन पर गए हैं, ना कभी फेडरेशन में आए हैं। और यही खिलाड़ी आंदोलन के 15 दिन तक पहले इनकी वीडियो सुन लिया जाए, इनका ऑडियो सुन लिया जाए, और ये जो है हमारी तारीफ करते थे। ये जो खिलाड़ी आज धरने पर बैठे हैं, ये अपने शादी में मुझे क्यों बुलाते थे, फिर जोड़े में होकर के मेरा फोटो क्यों लेते थे, मेरा आशीर्वाद क्यों लेते थे? लेकिन मैं एक संवैधानिक पद पर हूँ, मेरी एक बोलने की मर्यादा है, उस मर्यादा के तहत मैं बोल रहा हूँ। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, दिल्ली पुलिस के पाले में है, कोई निर्णय करेगी, हम मुझे उसी साजिश के पीछे कौन लोग हैं सांसद जी, साजिश के पीछे कौन लोग हैं? आखिर आपको इसके पीछे क्या दिखता है, कौन है वो एक फैमिली एक अखाड़ा और इसके पीछे कौन अखाड़े का नाम क्या है? देखिए मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इसमें एक उद्योगपति का हाथ है, कांग्रेस का हाथ है, मैं शुरू से इस बात को बोल रहा हूँ। एक उद्योगपति, मैंने नाम नहीं बोला है कौन सा उद्योगपति, देश के कुछ उद्योगपतियों का इसमें हाथ है जिनको मुझसे कष्ट है, और कांग्रेस का हाथ है, सुरम बोला था, और आज दिखाई पड़ गया कि किसका हाथ है। जब इनकी मांग मान ली गई, FIR दर्ज की गई, जांच तरीके से कहिए कि कार्रवाई शुरू हो गई, तब आप क्यों नहीं जा रहे हैं? अब क्यों मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं? अब क्यों खेल मंत्रालय के खिलाफ बोल रहे हैं? अब क्या जरूरत है पप्पू यादव को बुलाने की? क्या जरूरत है केजरीवाल को बुलाने की? क्या जरूरत है? वो कोई रिटायर गवर्नर है, क्या नाम उसका, सतपाल मलिक को बुलाने की क्या जरूरत है? प्रियंका गांधी जी को तथ्य मालूम नहीं है? जिस दिन प्रियंका गांधी जी को तथ्य मालूम होगा कि दीपेंद्र हुड्डा ने कहां ला करके मुझे फंसा दिया, उस दिन उनको मालूम पड़ेगा, ये जांच की रिपोर्ट आएगी तब उनको मालूम पड़ेगा गलत जगह पर फंस गए। आज जो कांग्रेस की दुर्गति हो रही है ना, इसीलिए हो रही है, कभी वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाएंगे, कभी एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाएंगे, कभी कोरोना पर सवाल उठाएंगे। अब पूरा मामला पता नहीं क्या जंतर मंतर पहुंच गए, जांच का इंतजार कर लेते,
दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार कर लेते तब जंतर मंतर पहुंचते। राजनीतिकरण हो रहा है, आम आदमी पार्टी पहुंच रही है, ये राजनीतिकरण शुरू से मैं तो फर्स्ट डे से कह रहा हूं कि ये खिलाड़ियों का धरना नहीं है, ये कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जो हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें मुझे मोहरा बना रहे थे। निशाना जरूर आपके ऊपर है, लेकिन लक्ष्य दूसरा है कोई नहीं। निशाना हमारे ऊपर है, हम बहाना है, निशाना और है, और निशाना आ रहा है। आज देख लिए, जैसे जांच कमेटी पर आपने कैसे सवाल खड़ा कर दिया, आपके कहने पर एक ऐसे व्यक्ति को कमेटी में शामिल किया गया जिसको नियमतः नहीं शामिल किया जा सकता था, क्योंकि उसी ने धरने की परमिशन ली थी और उसके बावजूद भी उसको कमेटी में शामिल किया गया। आपको लगता है सरकार झुकती चली गई है इन लोगों के साथ, यही वजह है कि मांग झुकती चली गई? अब देखिए, मैं सब चीज़ों पर नहीं बोल सकता, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और पुलिस के निगरानी में है, मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकता। सांसद जी, आप इस बात का दबाव कहते हैं कि आपने जो ऑडियो थी वो ऑडियो किसको दी है, वो जो एक खिलाड़ी की ऑडियो? जांच कमेटी को। कौन खिलाड़ी था ये कोई जरूरी है भाई? जांच कमेटी को दे रखी है, वो लड़कियों से बात करता है कि भाई देखो कोई लड़की बात कर लो, कोई लड़की किसी भी तरीके से कोई लड़की ले आओ, और ले आए, क्योंकि जो आईओ के सामने जो बच्चे पेश हुए हैं या जो बच्चे ओवरसाइट कमेटी के सामने पेश हुए हैं उसमें वो बच्चा नहीं था, यद्यपि मुझे उस बच्चे का नाम पता भी नहीं मालूम है, लेकिन वो बच्चा नहीं था। सांसद जी, जैसे कि 16 से 18 जब खेल हुआ तो क्या इस खेल को जो पहली बार रोका गया था और दोबारा हो गया, इसके बाद ये टाइमिंग क्या, कैसे देखा जाए कि ये धरना शुरू हो गया? अब देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये कहते हैं कि मुझे कुश्ती को बचाना है इसलिए हम इस धरने पर बैठे हैं। हमारे देश को एशिया चैंपियनशिप जूनियर अलाट थी, आपने पत्र लिख लिख करके उसको कैंसिल करवा दिया, ये इन्होंने कुश्ती को बचाया। दूसरा, ओपन नेशनल टूर्नामेंट हो रहा था उसको इन्होंने रद्द करवाया, एक काम ये उन्होंने कुश्ती को करके बचाया। महिलाओं का कैंप चल रहा था, बच्चियां आ चुकी थी, उनको कैंप छोड़ करके भागना पड़ा और वो आज तक कैंप नहीं लग पाया, ये इन्होंने कुश्ती को बचाया। और जब ओवरसाइट कमेटी बनी थी तो उसमें 3 सप्ताह का समय दिया गया था, 3 सप्ताह के बजाय मैंने 3 महीने तक वेट किया, और जब ओवरसाइट कमेटी समाप्त हो गई, उसने अपना कार्यकाल समाप्त किया, क्योंकि हमारी फेडरेशन को भंग नहीं किया गया था, हमारी फेडरेशन को भंग नहीं किया गया था, जब ओवरसाइट कमेटी ने अपने आप को ये हो गया कि अब ओवरसाइट कमेटी नहीं है, तो चूंकि देश में जैसे इस समय एशिया चैंपियनशिप होना है, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप होना है, हमारे यहाँ खेल रुका हुआ है, कोई नेशनल नहीं हो रहा है, कोई ओपन नेशनल नहीं हो रहा है, तो जब नेशनल नहीं होगा, अब जैसे कैडेट है, अगर कैडेट का नेशनल नहीं होगा, अंडर 15 का नेशनल नहीं होगा, तो एशिया जाने के लिए टीम कैसे बनेगी? एक प्रक्रिया है ये कि पहले हमको कराना पड़ेगा, हमारी फेडरेशन भंग नहीं थी, हमने जो है इस खेल को करवाया। अब ये खेल को करवाया तो हमने भाई हरियाणा के खिलाड़ी लड़े, बहुत बड़ी संख्या में लड़े, बच्चे मेडल लेकर के गए, मैंने कोई मेडल सेरेमनी नहीं की, मैंने कोई मेडल सेरेमनी नहीं की, मैं कभी अखाड़े पर नहीं गया, मैं जो है बैठ करके अपनी कुश्ती को देखता रहा, कुश्ती देखने का अधिकार मुझको भी है। हरियाणा की कई बच्चियां मेरे पास आईं कि सर मुझे फ़ोटो लेना है, हमने कहा बेटा आज फ़ोटो खिंचाओगे और कल इसी फ़ोटो पर मुकदमा लिखाओगे, उन्होंने कहा नहीं सर मुझे तो लेना ही लेना है, फिर उनकी माँ निकल करके आ गई, सर मुझे लेना ही लेना है, फ़ोटो ले गए, और उसके बावजूद भी मैं मेडल सेरेमनी नहीं किया। लेकिन ये कहते हैं कि मुझे खेल को बचाना है, तो खेल को बचाना है तो नेशनल को बंद कर देना है, ओपन नेशनल को बंद कर देना है, ये खेल को बचा नहीं रहे हैं, और ये आने वाले समय में पता चलेगा कि इस 4 महीने के अंदर इन्होंने खेल का कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। जी, इंटरनेशनल के खिलाड़ी नेशनल में भाग लेना नहीं चाहते थे, आप चाहते थे कि जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं, दूसरे राज्यों के खिलाड़ी हैं, वो भी भाग लें ताकि एक्चुअल जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो आगे निकाल सके, क्या एक ये भी बड़ा कारण है जिसकी वजह से वो लोग जो उसमें धरने में बैठे हुए हैं आपके खिलाफ बैठे हुए हैं? देखिए, एक समय ऐसा था कि टीम कहीं की हो, खिलाड़ी हरियाणा के रहते थे, मैंने उस पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन मैंने प्रतिबंध लगाया कि हरियाणा का खिलाड़ी अपने ही राज्य से खेलेगा,
अब यहाँ पर यह सवाल उठा जब ये मैंने प्रतिबंध लगा दिया कि हरियाणा का खिलाड़ी अपने ही राज्य से खेलेगा, तो हरियाणा में गेम बहुत ऊपर है। हरियाणा में 10वें नंबर का जो बच्चा होगा, 12वें नंबर का बच्चा होगा, वो भी कई राज्य ऐसे हैं उनसे अच्छा है। तो अगर हरियाणा को टोटल हम ब्रेक कर देंगे कि एक खिलाड़ी हिमाचल से ही खेलेगा, एक आसाम से खेलेगा, एक ही हरियाणा से खेलेगा, तो इससे हरियाणा का यानी कि खेल का बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसकी मैंने एक व्यवस्था दी, उसकी व्यवस्था दी कि एक नेशनल होगा जिसमें अपने अपने राज्य से एक खिलाड़ी खेलेगा, जो अपने राज्य का गोल्ड जिसके पास होगा एक खेलेगा, लेकिन खेल का नुकसान ना हो इसलिए मैंने एक ओपन नेशनल की व्यवस्था की कि नेशनल होने के साथ ही हम एक ओपन नेशनल कराएंगे जिसमें कहीं किसी भी प्रांत का कोई खिलाड़ी भाग ले सकता है। और उस पर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अब तक जितने भी ओपन नेशनल हमने कराए हैं उसमें 61% से लेकर के 63% मेडल केवल हरियाणा को गए। ये इसलिए किया गया कि जिससे खेल का नुकसान ना हो। अगर हम एक ही खिलाड़ी खिलाएंगे और हरियाणा का खिलाड़ी, अब हरियाणा का खिलाड़ी भी जब अन्य राज्यों से खेलता था तो पैसा दे करके खेलता था, चोरी से खेलता था, गलत सर्टिफिकेट बना करके खेलता था, रहता था हरियाणा का, कहता था मैं झारखंड का हूँ, मैं उत्तराखंड का हूँ, वो सब व्यवस्था मैंने समाप्त किया। और खेल का नुकसान ना हो इसलिए मैंने एक ओपन नेशनल जिसमें कोई भी लड़ सकता है उसकी व्यवस्था दी, जिससे हमारा खेल कायम है। अब सवाल ये उठता है कि एक पहले हमारे देश में ओलंपिक के लिए यदा कदा कोई जो है मतलब क्या कहते हैं कोटा लेकर के आता था, तो उस समय हमारे यहाँ नियम था कि जो खिलाड़ी अपना कोटा लेकर के आएगा वही खेलने के लिए जाएगा। आपको याद होगा कि नरसिंह यादव वर्ल्ड चैंपियनशिप में के माध्यम से ओलंपिक में क्वालिफाई किए थे, और सुशील कुमार जो डबल दो मेडल जिनको लगातार थे उन्होंने मांग की थी कि इनका ट्रायल कराया जाए। लेकिन उस समय हमारा जो नियम था कि जो क्वालिफाई करके आया है वही जाएगा, तो इसलिए नाते एक बहुत बड़ा विवाद हुआ और अंतोगत्वा सुशील कुमार और नरसिंह यादव का ट्रायल नहीं हो पाया। इस बार के ओलंपिक में मैंने महसूस किया कि इस व्यवस्था में परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि कई देश में ये व्यवस्था चल रही है। क्योंकि मान लीजिए कोई रेसलर है जिसने क्वालिफाई किया और वो उसको हल्की फुल्की चोट आ गई या उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, तब भी वो नहीं बताता है कि हमारी तबीयत खराब है, तब भी वो नहीं बताता है। तो बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता दें कि ब्रजभूषण सिंह को आप सुन रहे थे, जिनका साफ ये कहना है कि मैंने हमेशा आरोपों को जिस तरीके से मैं देख रहा हूं, मैं उनसे कह सकता हूं कि मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं। खिलाड़ियों के कहने पर जांच एजेंसी जो थी वो बनी, मैं पूरा सहयोग कर रहा हूं और मैं जांच एजेंसियों से भी कहना चाहता हूं कि मैं अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा। अगर मैंने कुछ भी गलत किया है तो आप जल्द से जल्द जांच कीजिए और जो भी सजा है वो मुकर्रर कीजिए, मैं हर आरोपों का सामना करने को तैयार हूँ। और साथ ही साथ आइए अब सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी नमित त्यागी इस वक्त जंतर मंतर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, देखिए कल अगर खिलाड़ियों की बात करें तो उन्हें बड़ी कामयाबी मिली कि एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन आज की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें कि किस तरीके से खुद सामने आते हैं अध्यक्ष और आकर के वो ये कहते हैं कि मेरे ऊपर जितने भी आरोप लग रहे हैं मैं चाहता हूं कि जांच एजेंसी सारे आरोपों का सामना करने को मैं तैयार हूं, जल्द से जल्द अपनी जांच पूरी करें और मेरे खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो करें, ये कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है उनका? देखिए बिल्कुल निदा, एफआईआर दर्ज होने के बाद पहली बार ब्रजभूषण सिंह मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं मैं जांच में पूरी तरीके से सहयोग कर रहा हूं। लेकिन आज जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का ये सातवां दिन है। ये तस्वीर थोड़ा सा मैं दिखा दूं, क्योंकि कल जब से एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद लगातार अभी ब्रजभूषण सिंह ने यह भी कहा कि जो खिलाड़ी हैं वो लगातार अपना बयान बदल रहे हैं, क्योंकि पहले खिलाड़ियों ने कहा कि जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक हमारा धरना चलेगा, और एफआईआर के बाद मांग है कि तक
ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रजभूषण ने यह भी आरोप लगाया कि खिलाड़ी अपना बयान बदल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ देर पहले सुबह के वक्त अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची थी, उस पर भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आखिर जो पोलिटिकल लीडर्स हैं वो आखिर खिलाड़ियों के मंच पर क्यों जा रहे हैं। इस बीच एक और जानकारी है कि आज शाम 4 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पहलवानों से मिलने पहुंचेंगे। इसके अलावा दोपहर 2 बजे आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद है सुशील गुप्ता, वो भी यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन सीधे तौर पर बात करें तो 2 FIR ब्रजभूषण पर दर्ज हुई हैं। पहला पॉक्सो एक्ट के तहत भी एक FIR दर्ज हुई है, दूसरी एक और FIR दर्ज हुई है। लेकिन अभी भी खिलाड़ियों की ये मांग है, क्योंकि कल जब FIR दर्ज करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसके बाद खिलाड़ियों ने कहा था कि 80 से ज्यादा मुकदमे ऑलरेडी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज हैं, उसमें उनका कोई बाल भी बाका नहीं हुआ, इसलिए वो केवल मुकदमा दर्ज नहीं बल्कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी चाहते हैं, तभी धरना हमारा खत्म होगा। हालांकि लगातार जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका सपोर्ट यहां पर मिल रहा है, केवल एक पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस की बात करें CPM की तरफ से वृंदा करात भी यहां पर पहुंची थी, इसके अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहां पर पहुंचे थे। तमाम जो BJP से हटकर पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके लीडर्स का समर्थन इन पहलवानों को मिल रहा है, और यही वजह है कि अब पहलवान पूरी तरीके से अपनी जीत पर आ गए। इनका कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। और देर रात अगर हम बात करें तो पहलवानों ने यह भी आरोप लगाया दिल्ली पुलिस पर कि जब से FIR दर्ज हुई है उसके बाद यहां पर रात को इनके पहलवानों की लाइट काट दी गई, अंदर पानी नहीं आने दिया गया, इस तरीके का आरोप भी रात पहलवानों ने लगाया था। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये जो जंतर मंतर पर धरना है निदा, ये थोड़ा सा लंबा चलने के आसार है। लेकिन जिस तरीके से हमने ब्रजभूषण को सुना वो साफ साफ ये कहते नजर आए कि हरियाणा का बाकी कोई और पहलवान जो है वो उनसे नाराज नहीं है, कोई और खिलाड़ी उनसे नाराज नहीं है, सिर्फ ये एक परिवार के लोग हैं, एक अखाड़े के लोग हैं जो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो इसके पीछे की पूरी कहानी को कैसा समझा जाए, क्यों ये एक परिवार जो है वो ब्रजभूषण पर इस तरीके के आरोप लगा रहा है, या फिर वाकई में इन आरोपों में सच्चाई है? तो ब्रजभूषण साफ साफ ये कहते नजर आ रहे हैं कि किसी भी आरोपों से मैं नहीं डरता हूं, मैं हर जांच का सामना करने को तैयार हूं, मेरे खिलाफ अगर कोई भी सबूत है वो लाएं और मेरे खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है वो जांच एजेंसी जो है वो जल्द से जल्द पूरी करें। अब देखना होगा कि आत्मविश्वास ब्रजभूषण का जो है वो किस तरफ उन्हें ले जाता है, क्योंकि वो बहुत पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बात कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है।